दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया वनडे विश्व कप जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत को मिली इतिहास की सबसे शर्मनाक हार, तो गुस्से से आग बबूला हो गई अनुष्का शर्मा। रोहित पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर रह जाएंगे आप भी हैरान। तो रोहित के पत्नी रितिशा ने अनुष्का को सुनाई जमकर खरी खोटी। भारतीय टीम की हार के बाद खिलाड़ियों की पत्नियों में छिड़ गई है जुबानी जंग। तो आखिर किसने दिया है भारतीय टीम की करारी हार पर बयान? किसने बताया है सूर्या को विलन? तो किसने रोहित को माना है हार का जिम्मेदार? उन सभी को होश उड़ा देने वाले बयानों के पूरे वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार का जिम्मेदार कौन है? रोहित, सूर्यकुमार यादव या फिर हार्दिक पांड्या? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में रौंदना चाहती थी, लेकिन कंगारुओं ने ऐसा पलटवार किया कि भारतीय टीम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर 269 रन बना लिए हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने टीम इंडिया की वापसी करानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भारत को 270 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि उतना विशाल लक्ष्य नहीं बना था, लेकिन सितारों से सजी टीम इंडिया केवल मूक दर्शक बनकर अपनी करारी हार का देखती रह गई और बड़े बड़े नाम केवल दिखाने के लिए रह गए। जी हां दोस्तों, बल्लेबाजी करने उतरे रोहित और गिल ने टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाई, लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित जल्दबाजी कर अपना विकेट फेंक गए तो गिल भी इस मुकाबले में ज्यादा कुछ छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि विराट कोहली ने मिडिल ऑर्डर को संभाला और आतिशी 54 रन बनाए, लेकिन वह भी ऑस्ट्रेलिया के सामने गलत समय पर घुटने टेक गए, जिनके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा सभी ने थोड़ा बहुत योगदान देना चाहा, लेकिन वो इतना काफी नहीं था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाए। और इन सभी खिलाड़ियों ने एक बार फिर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को तोड़ते हुए भारत देश का सिर शर्म से झुका दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी की पूरी भारतीय टीम को केवल 248 रनों पर समेटकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और ऐसे करारी हार सौंपी जिसे भुला पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो वहीं विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा भी इस पर बेहद नाराज हैं। उन्होंने कप्तान रोहित को लेकर बयानबाजी करते हुए बता दिया कि निश्चित तौर पर रोहित शर्मा इस हार के जिम्मेदार हैं। उन्होंने पहले बल्लेबाजी में निराश किया तो फिर सूर्या को पहले ना भेजना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें अपने ही खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं है तो वह कैसे भारतीय टीम की कमान संभाल सकते हैं? मुझे रोहित से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यदि वह टीम को नहीं संभाल सकते हैं तो कप्तानी छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का शर्मा को रोहित की पत्नी रितिका ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया है, क्रिकेट एक गेम है, ना ही अकेला प्लेयर आपको मैच जिताता है और ना ही हरवाता है। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा खेला, विराट और हार्दिक ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अंत में हमें हार मिली है। यह दिल तोड़ देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने खिलाड़ियों पर ही दोषारोपण करना शुरू कर दें। यह हमारी कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, हम जोरदार वापसी करेंगे। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने भी मैच खत्म होने के बाद बताया है कि मैं तो सूर्या की बल्लेबाजी देखकर हैरान हूं। उन्होंने जो कुछ किया मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा। टीम इंडिया हार गई उसका दुख मुझे भी है, उसे भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें भविष्य को देखना पड़ेगा और अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। हार्दिक ने अच्छा खेल दिखाया, उन्हें बहुत बहुत बधाई। विराट कुलदीप ने भी अच्छा खेला, उसके लिए हमें इस मुकाबले में जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, सूर्या की पत्नी निवेशा ने भी टीम इंडिया की करारी हार के बाद सूर्या को सांत्वना देते हुए बताया कि मुश्किल दौर सभी के जीवन में आता है, यह कोई नई बात नहीं है। जरूरी यह है कि आप उससे कैसे निपटते हैं, और सूर्या के पास विल पावर बहुत है, वह सबसे मजबूत व्यक्ति जिन्हें मैं जानती हूँ। हमारी टीम हारी है उसका मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर भरोसा है कि हम इससे भी जोरदार वापसी करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वनडे विश्व कप को जीत सकती है कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।